बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग तलंग भजन 13वां। तहिंजो कुल थे नास संतन सांजो वेर विहाय। टेक इस भजन में परम आदरणीय सद्गुरु महाराज जी अमृतमय वाणी के द्वारा समझा रहे हैं कि किसी संत दरवेश महात्मा को सताना नहीं चाहिए। यदि कोई संतों महापुरुषों से वैर रखेगा तो निश्चित जानो उसका सर्वस्व नाश हो जाएगा।
पाए स्वर्ग संधि राजाई नर्ष ऋषिन जी दिलड़ी दुखाई सर्प जून में वास कयो रशन खां डोली खड़ाए। इस संदर्भ में सदगुरु महाराज जी इतिहास प्रमाण बताते हुए समझा रहे हैं कि राजा नर्ष ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त करके संतों को परेशान किया, उसका परिणाम यह निकला कि संतों के श्राप से उसे सर्प योनि प्राप्त हुई, क्योंकि वह इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए उतावला था। इंद्राणी ने शर्त रखी कि जब वह सप्त ऋषियों से अपनी डोली उठवा करके उसमें सवार होकर आएगा तभी मैं उसके पास जाऊंगी। सप्त ऋषियों को उसने डोली का कहार बना दिया और वो सप्त ऋषि संत महापुरुष अपनी मर्यादा के हिसाब से किसी की भी हिंसा न हो यह विचार के धीरे धीरे संभलते हुए चल रहे थे। विलंब हो रहा था तो उनको वह संस्कृत में तेज चलने के लिए कह रहा था, सर्प सर्प जल्दी चलो शीघ्र चलो। दो तीन बार जब ऐसा कहा तो ऋषियों को क्रोध आ गया कि जा तू सर्प हो जा। इस प्रकार से वह स्वर्ग में पहुंच के भी वापस सर्प योनि में पहुंच गया संतों के श्राप के कारण। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने भी बिना देखे बिना सोचे समझी महर्ष कपिल को चोर बना डाला। सगर सुतन वनी संत सतायो प्रत्यक्ष पैंजो कीतो पायो झली भसम थ्या खास क्रोध कपिल जे छजन जलाए। तो महर्षि कपिल को उन्होंने चोर बना डाला। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उसके आश्रम में देख करके बोलने लगे कि यह साधु नहीं चोर है। इस प्रकार से बहुत शोर मचाया तो संत की समाधि भंग हुई। समाधि भंग होते ही उनकी दृष्टि पड़ते ही वे सब के सब वहां पर भस्म हो गए। इसी प्रकार से तीसरी लाइन में गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं दुर्वासा सा हासी कैड़ी बुरी तनी जी हालत थेड़ी यादव वंश विनाश थेड़ो संत सराप खे पाए। इसी प्रकार से यादव वंशियों ने भी महर्षि दुर्वासा को दुखी किया परेशान किया। तो परेशान करते करते महर्षि दुर्वासा के पास आकर पहुँचे और कहने लगे कि ये जो लड़का है उसको लड़की का सांग पहना के उस दुर्वासा ऋषि के पास जाकर कहने लगे कि इसके गर्भ में से पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये गर्भवती है। तो संत त्रिकालदर्शी थे वो समझ गए ये मुझे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि इस के पेट से गर्भ से वो पैदा होगा जो तुम्हारे यादव वंश का नाश करेगा। इस तरह से यादवों का कुल भी नाश हो गया दुर्वासा के श्राप से। गुरु महाराज जी अंतिम पंक्ति में फरमाते हैं संतन खे जो मनुष्य सताए टेम सो सर्वंश विजाए पढ़ी दिसो इतिहास रावण व्यो कुल नाश कराए। गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि आप ध्यान से देखो कि जिसने भी संत महापुरुषों सज्जनों को सताया है उसका सर्वस्व नाश हुआ है। रावण का भी सर्वस्व नाश हो गया क्योंकि उसने अपने राज्य में आए हुए तपस्वियों को कर देने का आदेश दिया। तो वो बोले हमारे पास देने योग्य कुछ तो है नहीं, हम कमाते धमाते तो है नहीं,
यह जो रक्त है इसका घड़ा भर के दो। रावण ने उनको कहा तो उन्होंने श्राप दिया कि इस रक्त से जो भी उत्पत्ति होगी वो तुम्हारा वंश नाश करेगी। इस प्रकार से संतों को दुखी करके उसका सर्वस्व नाश हो गया उन संतों के श्राप से। इसलिए कभी भी सज्जन सतपुरुषों के साथ कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। अमरापुर वाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेमसा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश
सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।